और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको देते हैं। लुमती गांव में सेना बुलाए गए, पिथौरागढ़ में सेना को बुलाना पड़ा है, लुमती गांव में सेना को बुलाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने पिथौरागढ़ के लुमती गांव में मोर्चा संभाला है। धारचूना से सेना को लुमती गांव पर बुलाया गया है। अब रस्सी के साथ गाँव तक पहुंचने की कोशिश सैनिक कर रहे हैं। गाँव में क्या स्थिति है, क्या विकराल रूप धारण किया हुआ है छोटी छोटी धाराओं ने, वो आप देख ही सकते हैं। 22 परिवार लुमती गांव में रहते हैं, संचार सुविधा नहीं है और इसकी वजह से परेशानियां ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में सेना का सहारा लिया जा रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी विकराल स्थितियां हैं, कितनी विकट स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं कि SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन तंत्र, सरीखे, जितनी भी ये एजेंसियां हैं, विभाग हैं, इन सबको ये सब काम नहीं कर पाए। ये सब इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कारगर नहीं है कि सेना को बुलाना पड़ा, सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ा। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको देते हैं। लुमती गांव में सेना बुलाए गए, पिथौरागढ़ में सेना को बुलाना पड़ा है, लुमती गांव में सेना को बुलाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने पिथौरागढ़ के लुमती गांव में मोर्चा संभाला है। धारचूना से सेना को लुमती गांव पर बुलाया गया है। अब रस्सी के साथ गांव तक पहुंचने की कोशिश सैनिक कर रहे हैं। गांव में क्या स्थिति है, क्या विकराल रूप धारण किया हुआ है छोटी छोटी धाराओं ने, वो आप देख ही सकते हैं। 22 परिवार लुमती गांव में रहते हैं, संचार सुविधा नहीं है और इसकी वजह से परेशानियां ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में सेना का सहारा लिया जा रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी विकराल स्थितियां हैं, कितनी विकट स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं कि SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन तंत्र, सरीखे, जितनी भी ये एजेंसियां हैं, विभाग हैं, इन सबको ये सब काम नहीं कर पाए। ये सब इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कारगर नहीं है कि सेना को बुलाना पड़ा, सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ा। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको देते हैं। लुमती गांव में सेना बुलाए गए, पिथौरागढ़ में सेना को बुलाना पड़ा है, लुमती गांव में सेना को बुलाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने पिथौरागढ़ के लुमती गांव में मोर्चा संभाला है। धारचूना से सेना को लुमती गांव पर बुलाया गया है। अब रस्सी के साथ गांव तक पहुंचने की कोशिश सैनिक कर रहे हैं। गांव में क्या स्थिति है, क्या विकराल रूप धारण किया हुआ है छोटी छोटी धाराओं ने, वो आप देख ही सकते हैं। 22 परिवार लुमती गांव में रहते हैं, संचार सुविधा नहीं है और इसकी वजह से परेशानियां ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में सेना का सहारा लिया जा रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी विकराल स्थितियां हैं, कितनी विकट स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं कि SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन तंत्र, सरीखे, जितनी भी ये एजेंसियां हैं, विभाग हैं, इन सबको ये सब काम नहीं कर पाए। ये सब इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कारगर नहीं है कि सेना को बुलाना पड़ा, सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ा।